आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आजम खान की फैमिली को रामपुर से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है और अब खबर ये आ रही है कि आजम खान की फैमिली को रामपुर से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, फैमिली कोर्ट से दूसरी किसी कोर्ट में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। आजम के बेटे पर दो जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो मामला था उसी को लेकर वो जेल में थे और अब ये खबर आ रही है कि तीनों को किसी और जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अमित की यह खबर आप देख रहे हैं।